तो हाँ भाई करें शुरू। तो इतनी गर्मी हो रही है और हमें ठंडा करने के लिए तो एसी है, लेकिन स्मार्टफोन को ठंडा करने के लिए क्या है? वो है कूलिंग सिस्टम। और जब भी कोई कंपनी कूलिंग सिस्टम को स्मार्टफोन के अंदर ऐड करती है तो वो अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर चिल्ला चिल्ला कर बोलती है। तो क्या एक्चुअल में कूलिंग सिस्टम यूजफुल है? तो आज की इस वीडियो के अंदर उसी की बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कितने प्रकार के होते हैं कूलिंग सिस्टम। और एक टेक्नोलॉजी और है स्मार्टफोन के अंदर, वो है, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसे हिट कर दो, बिल्कुल फ्री है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, इस वीडियो को फैला दो। तो सबसे पहले तो आप लोगों के और मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, कूलिंग सिस्टम है क्या स्मार्टफोन के अंदर, ये किस तरीके से काम करता है? तो देखो, फोन के अंदर होता है एसओसी, एंड जब भी आप फोन के अंदर हैवी टास्क करते हो तो एसओसी पर काफी ज्यादा लोड पड़ता है। सेम ह्यूमंस की तरह जब हम ज्यादा काम करते हैं तो हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, तो उसे ठंडा करने के लिए हम तो रूह अफ़ज़ा पी लेते हैं। लेकिन इसको ठंडा करने के लिए क्या होता है, कूलिंग सिस्टम का यूज होता है एसओसी के पास, जिसकी वजह से जो एसओसी की हीटिंग है वो अलग अलग एरिया में डिसिपेट हो जाती है और जो प्रोसेसर है वो जल्द से जल्द ठंडा हो जाता है। और इसी की वजह से हैवी टास्क पर हमें ज्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी देखने के लिए मिल पाती है। और काफी सारी टेक तो हीट को डिसिपेट करने के साथ साथ उसे जल्दी ठंडा करने में भी हेल्प करती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या कूलिंग टेक सिर्फ स्मार्टफोन के अंदर यूज की जाती है? तो होती काफी सारी चीजों में यूज है, बट जो मेनली हमने देखा है वो गेमिंग पीसी देखा है, उसके अंदर काफी बड़ा एरिया होता है सीपीयू का, तो उसके अंदर एक ही टाइम पर काफी सारी कूलिंग टेक यूज कर सकते हैं। बट स्मार्टफोन के अंदर एरिया लिमिटेड है, तो इसके अंदर कुछ ही कूलिंग टेक का यूज किया जाता है। तो वो कौन कौन सी टेक है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आता है, सबसे कॉमन और सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरर को जो पड़ता है वो है थर्मल पेस्ट, और इसे अलग अलग नाम से ही बुलाया जाता है, थर्मल पेस्ट, थर्मल जेल, थर्मल ग्रीस के नाम से। ये बेसिकली सेम ही चीज है, ये ग्रेफीन है जो कि ग्रेफाइट की एक सिंगल एटॉमिक लेयर होती है। और ये यूज में कैसे आती है, ये एक तरीके से लिक्विड फॉर्म होती है जो कि मदरबोर्ड और एसओसी के बीच में लग जाती है। और जब भी हम कोई हैवी टास्क करते हैं, हैवी गेमर बन जाते हैं, तो एसओसी पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है जिसकी वजह से एसओसी हीट होना स्टार्ट कर देता है। तो एक सिंगल पॉइंट पर हीट नहीं पड़ती इसकी वजह से, और ये हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग एरिया में, जिसकी वजह से क्या होता है, एसओसी के पास जो कंपोनेंट है ज्यादा हीट होने की वजह से वो डैमेज नहीं होते। और ये काफी हद तक हेल्प भी करता है एसओसी को जल्दी से जल्दी ठंडा करने में, और इसी की वजह से हमें लॉन्ग टाइम तक कंसिस्टेंसी भी देखने के लिए मिलती है फोन के अंदर। और आपका भाई आपको ये चीज भी बता दे कि आईफोन इसके अलावा और कुछ चीज यूज नहीं करता, ये मदरबोर्ड में थर्मल पेस्ट का यूज करता है। और इसी की एक सॉलिड फॉर्म भी है, ये थर्मल पैड, ये कॉमनली स्क्रीन के अंदर यूज करा जाता है फोन की। आपने देखा होगा फोन की स्क्रीन के पीछे एक लेयर होती है, ये होता है थर्मल पैड। और ये काम कैसे करता है, जैसे मैंने आपको बताया एसओसी पर जब भी स्ट्रेस पड़ता है हमारे दिमाग की तरह तो हीट हो जाता है। और आपको पता है आजकल फोन काफी ज्यादा पतले हो गए, तो एसओसी और स्क्रीन के बीच में ज्यादा गैप बचा नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा ना, अगर थर्मल पैड नहीं होगा तो स्क्रीन पर एक पॉइंट पर जब हीट पड़ेगी तो वहां से स्क्रीन बर्न होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो उस जगह पर यूज किया जाता है थर्मल पैड का, जो कि पूरे एरिया में हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके भाई ने भी देखा है, जब भी हम गेम खेलते हैं तो स्टार्टिंग में तो स्क्रीन एक तरफ से हीट होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे लॉन्ग टाइम तक गेम खेलेंगे तो पूरे फोन है उसमें हीट बराबर पहुंच जाती है। तो ये सब जो थर्मल पैड लगाया है ना इसकी स्क्रीन में, उसकी वजह से हो रहा है। और ये अलग अलग कलर में होता है, अगर ये ब्लैक कलर की है तो वहां पर ग्रेफीन का यूज करा है, बाकी कॉपर कलर का तो आप जानते ही हो, वहां पर कॉपर का यूज किया जाता है, एंड फोन के अंदर मेनली कॉपर का यूज करते हैं। अब कूलिंग सिस्टम एक एडवांस वर्जन और आता है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम या वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग सिस्टम बोल दिया जाए। और जब से पोको F1 के अंदर 20,000 के अंदर ये दिया गया था ना, जब से स्मार्टफोन कंपनियां 15,000-20,000 वाले फोन के अंदर इसे मस्त डाल रही है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? मतलब पहले फ्लैगशिप में आता था, सैमसंग और नोकिया ही देते थे अपने फ्लैगशिप के अंदर, बट अभी 15,000-20,000 वाले फोन के अंदर भी मिल रहा है, तो उसकी बात करेंगे। बट सबसे पहले हमें यह जानना होगा ये काम कैसे करता है। तो ये बेसिकली एक हीट पाइप होता है, अब मेनली ये कॉपर का यूज करती है आजकल कंपनियां, और इस हीट पाइप के अंदर होता है लिक्विड, और ये इतने कम अमाउंट में होता है ना, ये ऑलमोस्ट वेपर फॉर्म के अंदर होता है, और इसी वजह से वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी बोला जाता है। और ये लिक्विड कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल वाटर भी हो सकता है, आयनाइज्ड वाटर भी हो सकता है। तो ये काम कैसे करता है, हमने फोन के अंदर हैवी टास्क करा, एसओसी हीट हुआ, उसने फोन को हीट करा, और ये जो ट्यूब है ना इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो हीट होकर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ठंडे एरिया की तरफ जाएगा, वहां ठंडे एरिया से कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, और कंडेंस होकर वो फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर फिर से हीट वाले पार्ट में आ जाएगा। तो ये अगेन एंड अगेन सेम प्रोसेस को यूज करेगा एंड हीट को ठंडे एरिया की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और ये चीज टोटली डिपेंड भी करेगी कि ये कितने बड़े एरिया के अंदर है और कितनी लेयर यूज करेगी। जब भी आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन कंपनियां एक तो एरिया बताती है कूलिंग सिस्टम का, साथ ही लॉन्च इवेंट के अंदर ये भी बताती है कि हमने 5 लेयर यूज करा है, 4 लेयर कूलिंग सिस्टम यूज करा है। तो बेसिकली जितना बड़ा एरिया, जितनी ज्यादा लेयर, उतना ही ज्यादा हीट डिसिपेशन होगा और आपका फोन जल्द से जल्द ठंडा हो जाएगा। और इसी वजह से जैसे आपने देखा होगा 15,000-20,000 वाले फोन के अंदर भी लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया जाता है, तो या तो वहां पर एरिया कम होता है फ्लैगशिप के कंपैरिजन में लिक्विड कूलिंग सिस्टम का, या वहां पर लेयर कम होती है। अब Xiaomi लिक्विड कूलिंग सिस्टम को एक स्टेप और आगे ले जा चुका है, और इन्होंने इसे डेमोंस्ट्रेट भी करा है, इसका नाम दिया है लूप लिक्विड कूलिंग सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी इन्होंने अडॉप्ट करी है एरोस्पेस और सैटेलाइट से। इसके अंदर 2 हीट पाइप का यूज करा गया है, ऑर्डिनरी लिक्विड कूलिंग सिस्टम के अंदर 1 हीट पाइप का यूज किया जाता है जिसके अंदर हीट भी जा रही है और कूल लिक्विड भी आ रहा है, जो कि इतना इफेक्टिव नहीं है। तो ये बेसिकली काम कैसे करता है, इसके अंदर लिक्विड हीट होकर ठंडे एरिया की तरफ जाएगा वेपर फॉर्म में
कन्वर्ट होके एंड उस ठंडे एरिया से कंडेंस होकर जो कूल लिक्विड होगा वो एक अलग एरिया से आएगा, जिसकी वजह से ज्यादा इफेक्टिव हमारे पुराने लिक्विड कूलिंग सिस्टम के कंपैरिजन में। एंड Xiaomi ने इसे डेमोंस्ट्रेट भी किया है, दो फोनों के अंदर उन्होंने जेंशन इंपैक्ट खेला हाई सेटिंग्स पर, एंड जिसके अंदर लूप लिक्विड कूलिंग सिस्टम यूज करा था उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा कम था दूसरे फोन के कंपैरिजन में। जिसके अंदर Xiaomi ने लूप लिक्विड कूलिंग सिस्टम यूज करा था उसका टेम्परेचर गया था 47 डिग्री सेल्सियस, एंड जिसके अंदर पुराने लिक्विड कूलिंग सिस्टम यूज किया था उसका 56 डिग्री चला गया था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लूप लिक्विड कूलिंग सिस्टम काफी ज्यादा तगड़ी टैक होने वाली है एंड Xiaomi के मे भी हमें फ्लैगशिप के अंदर काफी जल्दी देखने के लिए मिल जाए। बाकी लूप लिक्विड कूलिंग सिस्टम एक चीज के लिए और यूजफुल है, आजकल फोन काफी ज्यादा पतले हो गए हैं एंड इन पतले फोनों के अंदर ना जिस स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है वो लिक्विड कूलिंग सिस्टम को अवॉइड करते हैं बिकॉज वो लगाना काफी ज्यादा ट्रिकी है, इतनी नाजुक चीज है ना, अगर गलती से अच्छे से नहीं लगी तो ये फोन को फुलाकर डैमेज कर देगी फोन को। तो इस वजह से स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर इसे अवॉइड करते हैं, इवन आईफोन के अंदर भी इसी वजह से यूज नहीं की गई। एंड आईफोन 13 के अंदर ना इसकी टेस्टिंग हुई थी बट लिक्विड कूलिंग सिस्टम को इसीलिए यूज नहीं करा गया फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, और इसके अंदर आपको मिला थर्मल पेस्ट। इवन जो सैमसंग की नोट 20 सीरीज है उसके अंदर दोनों चीजों का यूज किया गया था, किसी के अंदर थर्मल पेस्ट का यूज किया जा रहा था, किसी के अंदर लिक्विड कूलिंग सिस्टम का यूज करा जा रहा था। आप जारी की वीडियो देख सकते हैं, और ऐसा नहीं है एक्सनस में अलग यूज कर रहे थे, स्नैपड्रैगन में अलग यूज कर रहे थे, किसी के अंदर भी कुछ भी यूज किया जा रहा था। बाकी कुछ गेमिंग फोन के अंदर फैंस का भी यूज किया जाता है, मैं इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर इसे यूज कर रहा हूं, यह है Nubia Red Magic 7, इसकी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। और ये एक्चुअली में ना गर्म हवा को अंदर से बाहर निकाल कर फेंकता है, बट इसके साथ मेरे को ये इतना यूजफुल नहीं लगा बिकॉज इसका जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा जाता है। अभी तक मैंने मैक्सिमम टेम्परेचर इसी का नोट करा है, वो भी फैन के साथ। तो अगर आपने इसकी वीडियो चेकआउट नहीं करी तो मेरे चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यही कुछ हार्डवेयर बेस्ड चीजें जो कि फोन को ठंडा करने में हेल्प करती है। अब काफी लोगों को लगता है कि इन चीजों से ना फोन गर्म ही नहीं होगा अगर आप हैवी टास्क करोगे, तो देखो फोन तो गर्म होगा लेकिन ये चीजें ना फोन को ठंडा जल्दी करने में हेल्प करती है, जिससे आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लॉन्ग टाइम तक मिले। और कुछ कंपनियां सॉफ्टवेयर को भी यूज करती हैं फोन को ठंडा रखने में, जैसे कि मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूं, S22 सीरीज आई है सैमसंग की, इसके अंदर गोस को इनेबल करके दिया है। गोस से ना जो फोन की परफॉर्मेंस है उसे अंडर क्लॉक करा है ताकि फोन हीट ना हो, तो कंपनियां सॉफ्टवेयर का भी यूज लेती हैं हार्डवेयर के साथ साथ कभी कभी। बाकी कुछ एक्सटर्नल हार्डवेयर भी आप यूज करके अपने फोन को ठंडा कर सकते हैं, जैसे मेरे पास ये गेमिंग फैन है और ये काफी तगड़ी तरीके से फोन को ठंडा कर देता है। इसका जो टेम्परेचर है ना बैक से जहां से लगेगा फोन पर वहां से इसका टेम्परेचर 5 डिग्री तक चला जाता है, वो भी इतनी गर्मी में, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके फोन को गर्म नहीं होने देगा। बाकी कुछ लोग लिक्विड कूलर का भी यूज करते हैं, वो पूरे फोन की बैक पर चिपक जाता है और आपके फोन को ठंडा कर देता है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी एंड ये किस तरीके से काम करते हैं वो भी समझ आएगा। और अगर आपको सारी चीजें क्लियर हुई ना तो वीडियो लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स इट गाइस, मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जो मैं गाइस सुपर है टू वॉच योर हार्ट स्टेडियम विद एचएफबीएन बॉक्स गाइस।